आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सेक्शन एट। सेक्शन एट क्या है? छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, 15-20 मिनट हमारे को लगेगी, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि जीएसटी के अंदर जब मैंने पहली बार कंसल्टेंसी दी तो सेक्शन एट से ही दी, और वो कंसल्टेंसी मैंने 2017 में दी थी जब जीएसटी आया भी नहीं था। तो ऐसा क्या सेक्शन है जिसमें कंसल्टेंसी का भी पॉइंट बन जाता है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सेक्शन 7 को पढ़कर आए हैं, तो सेक्शन 7 में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि भाई जीएसटी के अंदर या तो कोई चीज़ गुड्स होती है या कोई चीज़ सर्विस होती है। इन्होंने यहाँ पर यह चीज़ क्लैरिफाई कर दी भाई कि या तो गुड्स होगी या सर्विस होगी। अगर आपको पता करना है तो शेड्यूल 2 में चले जाओ, राइट। शेड्यूल 2 हम पढ़कर आए कि भाई ये गुड्स है या सर्विस है। बाद में इन्होंने शेड्यूल 2 के अंदर ही लिख के बता रखा है कि भाई अगर रेस्टोरेंट है, बेशक आपको खाने को सामान मिले, पैक कराओ, लेकिन फिर भी हम उसे सर्विस ही मान लें। या अगर हम बात कर रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम उसे भी सर्विस मान लें, राइट। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि अगर हमें वहाँ से नहीं पता लगता है शेड्यूल 2 से, तो इन्होंने नोटिफिकेशन बोल दिया कि भाई हम नोटिफिकेशन निकाल के बता देंगे गुड्स है या सर्विस है। यहाँ तक जो था लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता। लेकिन सेक्शन 8 ने क्या बोला कि लड़ाई झगड़ा तुम्हारा अब भी हो सकता है। किस चीज़ को लेकर हो सकता है? कि हो सकता है कि जो तुमने गुड्स और सर्विस दोनों चीज़ें दी हैं, तो कई बार ऐसा आपके सामने मिलेगा कि गुड्स पर टैक्स है 5% और सर्विस पर टैक्स है 12%। लेकिन हुआ क्या है कि एक बंडल्ड है, क्या है वो? एक बंडल्ड है। जैसे मैंने अपनी टीचिंग का एग्जांपल दिया कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ और साथ में किताबें भी दे रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि पढ़ाने पर जीएसटी कितना हो? 18% और किताबों पर कितना हो? 0% हो, 5% हो सकता है या नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन मन में ये आया कि भाई तो फिर जीएसटी लगे किस पे, क्योंकि आपने तो उसे क्या मान लिया? सर्विस मान लिया। तो भाई फिर हम 18% का जीएसटी लगाएं या 5% का जीएसटी लगाएं, ऐसा हो सकता है या नहीं? आप एसी परचेज करके लाए, तो जब आप एसी परचेज करके लाते हो तो साथ में आप उससे कहते हो भाई इंस्टॉलेशन भी करा देना, वो कहता है ठीक है करा देंगे, तो कई बार वो इंस्टॉलेशन के अलग से चार्ज ले लेता है, कई बार कह देता है कि भाई 30,000 रुपये लेंगे एसी के, उसमें इंस्टॉलेशन भी होगी। तो भाई एसी पे हो सकता है जीएसटी 28% हो, तो इंस्टॉलेशन का जो अमाउंट है जिसमें 2,000 रुपये चार्ज है, तो उस पर जीएसटी क्या रेट हो? ये दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती? हाँ, तो यहाँ पर ना अभी तक झगड़े हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पर अभी तक झगड़े हैं। अभी मेरे पास एक मेल आई थी, एक क्लाइंट ने कहा कि हमारी 10 करोड़ की डिमांड निकाल रखी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी ये वाली सप्लाई है और उस पर जीएसटी इतने % से जाना चाहिए, और ऑफिसर इस सप्लाई को ये मान रहा है और उस पर जीएसटी ज़्यादा % से डिमांड कर रहा है। तो इन्होंने क्या करा है कि उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सेक्शन 8 डाला है, लेकिन सेक्शन 8 डालने के साथ ही उसमें डिस्प्यूट भी डल गए हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है जरा ध्यान से समझो। सेक्शन 8 दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है। एक पहली टर्म्स लेकर आता है, वो कहता है एक टर्म होती है कंपोजिट सप्लाई, क्या बोलता है जी? कंपोजिट सप्लाई। और दूसरी टर्म होती है मिक्स सप्लाई, क्या होती है? मिक्स सप्लाई। अब पहली बात तो हमें दोनों टर्म को समझना होगा कि कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है। तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की हमारे को डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। फिर ये कहता है कि अगर तुम्हारी सप्लाई कंपोजिट हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, और अगर तुम्हारी सप्लाई मिक्स हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। सेक्शन 8 ये नहीं बताता कि कौन सी सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, सेक्शन 8 ये नहीं बताता कौन सी सप्लाई मिक्स सप्लाई है, लेकिन ये कहता क्या है कि अगर तुम ये डिसाइड कर लोगे कि तुम्हारी सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है या तुम्हारी सप्लाई मिक्स सप्लाई है, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि टैक्स कैसे लगेगा। अब आप कहोगे सर दोनों नाम तो देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, कंपोजिट भी और मिक्स भी। पहली बात, इस कंपोजिट सप्लाई का कंपोजिशन स्कीम से कोई लिंक नहीं है। कई लोग इसे एग्ज़ाम में जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि कंपोजिट सप्लाई लिखो, वो कंपोजिशन स्कीम लिख के आ जाते हैं, आंसर आता है 0,
ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई अलग कंसेप्ट है, कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 में पढ़ते हैं वो अलग कंसेप्ट है। तो अब ये कंपोजिट सप्लाई है क्या, जरा इस बात को ध्यान से समझो। मैं आपको डेफिनेशन से बताऊंगा कि कंपोजिट सप्लाई है क्या। कंपोजिट का नाम से कुछ क्लियर आ रहा है आपको कि क्या होता है कंपोजिट? क्या वैसे नाम से बिना पढ़े कहीं सुना है वाला नाम कंपोजिट? क्या जीएसटी को छोड़ के कहीं और सुना है? नहीं सुना। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है कि जहां पर एक से ज्यादा सप्लाई हो, जहां पर एक से क्या हो, ज्यादा सप्लाई हो। एक से ज्यादा का मतलब क्या, दो गुड्स की सप्लाई भी कंपोजिट सप्लाई हो सकती है, दो सर्विस की सप्लाई भी कंपोजिट सप्लाई हो सकती है, एक गुड्स और एक सर्विस की सप्लाई भी कंपोजिट सप्लाई हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पढ़ाना और बुक देना, ये किसके, इसे क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट सप्लाई। एसी के साथ ठीक है इंस्टॉलेशन क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। तो यहां पर ये कहता है कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब है एक या एक से ज्यादा सप्लाई जिसमें दोनों गुड्स भी हो सकते हैं, दोनों सर्विस भी हो सकते हैं, एक गुड्स और एक सर्विस भी। लेकिन ये कहता है कि कंपोजिट सप्लाई तभी मानी जाएगी जब कोई चीज नेचुरली बंडल्ड हो। क्या हो जी, कोई चीज नेचुरली बंडल्ड, मतलब ये जो दोनों सप्लाई आप बात कर रहे हो सर, ठीक है ना, एक गुड्स और एक सर्विस, ये नेचुरली बंडल्ड हो, मतलब कि भगवान ने जोड़ियां बनाई हो इनकी। मैंने कहा भगवान ने जोड़ियां, मतलब कह रहे नेचुरली बंडल्ड का मतलब तो यही होता है कि भगवान ने जोड़ियां बनाई है। मैंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा जैसे टीवी के साथ रिमोट, आप कभी टीवी खरीद के लाए हो तो उसके साथ हमेशा रिमोट आया या नहीं आया? कभी देखा तुमने ऐसा कि नहीं टीवी आ गया रिमोट बाद में ला रहे? हाँ, तो ये जोड़ियां कहां से बनकर आई है? हाँ, ये कह रहे ऊपर से भगवान ने बनाई। तो टीवी के साथ रिमोट क्या बोला जाएगा, कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ये क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। कोई और एग्जांपल दोगे मुझे? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं मोबाइल के साथ सिम, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मत बोल देना मोबाइल के साथ सिम। मोबाइल के साथ सिम कभी देखी है? ये जो मोबाइल के साथ सिम है, ये हो सकता है कोई दुकानदार दिवाली ऑफर निकाल दे, हाँ, कि 3000 का लाइन्स का मोबाइल लो, 1500 रुपये का टॉक टाइम लो। ये क्या था, किसी एक व्यक्ति ने निकाला, किसी एक कंपनी ने निकाला। तो क्या ये जोड़ियाँ भगवान ने बनाई? वो जोड़ियाँ तो इंसान ने बनाई। तो जो भगवान जोड़ियाँ बनाता है उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिशन, ठीक है ना। भगवान का मतलब है कि आपको लग रहा है कि हाँ नहीं यार ऐसा ही होता, हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज़। हाँ, इसके अलावा जैसे मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा कि भाई एक कंपनी थी, उसने क्लोजअप दिया, क्लोजअप के साथ ब्रश भी दे दिया आपको, क्या दे दिया, क्लोजअप के साथ क्या दे दिया, ब्रश भी दे दिया। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है? क्यों क्लोजअप के साथ ब्रश नहीं? हाँ, ये कह रहे आता है, अरे मान लो आता है वो रेड डाबर लाल का आता है, सिंसोडाइन का थोड़ी आता है। हाँ, तो किसी ने दिया अगर हमें मैटर नहीं है, लेकिन क्या है जो नेचुरली बंडल है, जिसमें नेचुरली फील आ रहा है, समझ आ गई मेरी बात, जिसमें क्या आ रहा है, नेचुरली फील आ रहा है। पढ़ाने के साथ किताबें आपको फील आ सकता है कि हाँ मिलती है जर्नली, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे, यहां पर हम डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे। तो यहां पर एग्जाम में तुम्हें ये चीजें बताएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, कि क्या चीज नेचुरली बंडल्ड हो सकती है। क्लियर है? हाँ, तो यहां पर क्या कहता है कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, मीन से सप्लाई, कह रहा है कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है, मीन्स, मतलब यही है जो मैं बता रहा हूं, मीन से सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसीपिएंट। जब भी कोई टैक्सेबल पर्सन किसी रिसीपिएंट को देगा, पहली बात क्या होना चाहिए, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, दो या उससे ज्यादा क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और द एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, कि उसका कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है।
आर नेचुरली बंडल्ड, क्या लिखा हुआ है जी, आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई इन कंजक्शन विच ईच अदर, कि वो नेचुरली बंडल्ड हो और एक दूसरे के साथ ही वो जाती हो, ठीक है ना। इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जर्नली ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा ही होता हो, ठीक है जी। क्या कह रहा है, इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि उसके ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा ही होता हो। तो बेस्ट एग्जांपल विथ टीवी के साथ रिमोट, एसी के साथ रिमोट, ठीक है जी। वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, लेकिन उन दोनों सप्लाई में से एक क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई। टीवी और रिमोट में से प्रिंसिपल क्या है, टीवी या रिमोट? अब तुम कहने लगो रिमोट और रिमोट के बिना तो टीवी चलेगा ही नहीं, तो रिमोट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, ऐसा मत बोलना, ठीक है। टीवी के साथ रिमोट में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, टीवी। तो इसका मतलब कंपोजिट सप्लाई बनाने के लिए दोनों में से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, पहली बात ये बताओ क्या ये नेचुरली बंडल्ड है, आंसर इज नो। और अगर मैं बोलूं कि लैपटॉप के साथ प्रिंटर, तो क्या ये दोनों ही प्रिंसिपल सप्लाई है या इनमें से एक प्रिंसिपल है, दोनों ही अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई। तो जब दोनों ही प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएंगी तो वो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएंगी, समझ में आ रही है मेरी बात। एसी के साथ सर्विस या एसी के साथ इंस्टॉलेशन, व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई, पक्का, ठीक है ना, ठीक है। अब ये कह रहे कंपोजिट है नहीं, तो ये बड़ा डिस्प्यूट वाला इशू है, ये डिस्प्यूट रहेगा ही रहेगा कि सर बहुत कंपनियां दे रही है, बहुत कंपनियां नहीं दे रही। तो कई बार तुम्हें एग्जांपल्स में ऐसा बोला जाएगा कि हाँ जी आप मान लो ये नेचुरली बंडल्ड है या कंपोजिट है, लेकिन अगर आपको कंपोजिट बता दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कंपोजिट है या नहीं, ठीक है। या जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सोल्व करना, तो हम मानकर चल रहे हैं जी ये नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है, उस बेसिस पर आप क्वेश्चन को सोल्व करना। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। ये कहता है कि नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई। चलो जब हमने उसे कंपोजिट सप्लाई मान लिया, तो उस पर टैक्स रेट कौन सा लगाओगे, प्रिंसिपल सप्लाई का लगना चाहिए हाँ, या जो उसके साथ है उसका। टीवी और रिमोट में टैक्स रेट किसका लगना चाहिए, टीवी का लगना चाहिए। एक बार मान लेते हैं एसी के साथ सर्विस, तो टैक्स रेट किसका लगना चाहिए, एसी का। अब यहाँ पे लड़ाई मत करना, अगर आप वो पहले से डिसाइड हो जाए ये कंपोजिट है, तो अब ये मत बोलना कि भाई एसी पे तो 28 लग रहा है, मैं सर्विस पे 18 क्यों दूँ, ठीक है। या तो आप उसे कंपोजिट मत मानना, अदरवाइज आपको देना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हो रहा है कि भाई पहले प्रिंसिपल सप्लाई हमें समझा दो, कि भाई प्रिंसिपल सप्लाई है क्या। कहता दिस मीन्स डेट इन अ कंपोजिट सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ आर बंडल्ड ओइंग टू द नेचुरल नेसेसिटी, ठीक है। द एलिमेंट्स इन द कंपोजिट सप्लाई आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। तो मेन क्या होगा, सारी चीज़ें किस पर डिपेंड होंगी, प्रिंसिपल सप्लाई पे। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, कहता है मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड टू विच एनी अदर सप्लाई फॉलोइंग पार्ट दैट कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलरी, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विस आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई, अगर हम किसी से वर्क कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, रेस्टोर सर्विस देते हैं, तो ये दोनों क्या है, क्लासिक एग्जाम्पल किसके हैं, ये कंपोजिट सप्लाई के, ठीक है ना। अब ये कहता है हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस आर बंडल्ड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि भाई आप ये कैसे मानोगे कि ये जो सर्विस है ये ऑर्डनरी कोर्स में बंडल्ड है। कहता है वेदर द सर्विस आर बंडल्ड इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि भगवान ने जोड़ियाँ बनाई है या इंसान ने बनाई है, वुड डिपेंड अपॉन द नॉर्मल और फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस फॉलोड इन द एरिया ऑफ बिजनेस टू विच द सर्विस रिलेट, हम वहाँ पर क्या चेक करेंगे कि नॉर्मली क्या चल रहा है। अब जो पहले चलता था वो नहीं देखेंगे, अभी मार्केट में क्या प्रैक्टिस चल रही है। तुम्हें याद होगा पहले लैपटॉप के साथ बैग आया करता था, आता था या नहीं आता था,
हमेशा आता था लैपटॉप के साथ बैग, लेकिन अब उन्होंने ऐसी चीज़ें बंद कर दी। वो कहते भाई बैग लेना तो 500 रुपये अलग से हो, हैं? एप्पल वाला कह रहा है लैपटॉप ला रहा हूँ US से, बैग थोड़ी भेजता है वो, तो एक डिब्बे में भेज देता है, ठीक है ना। और कई कंट्री में तो, अगर मैं बात करूँ तो कई कंट्री में तो वो कह रहे हैं कि भाई लैपटॉप के साथ चार्जर भी नहीं देंगे, तुम खुद खरीदो, मोबाइल के साथ चार्जर नहीं देंगे। एप्पल में नहीं आता, एप्पल में इंडिया में तो आता है, ठीक है, अब बंद कर दिया होगा। देखो मैं लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, लेकिन बाहर की कंट्री में वो देते ही नहीं, अब इंडिया में भी वो कस्टम शुरू कर दिया होगा कि नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली चल रही है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला एप्पल में नहीं आता, लेकिन भाई आपने जितने भी मोबाइल आज तक खरीदे होंगे सब में आया होगा या नहीं आया होगा, ठीक है ना। लेकिन एप्पल में पहले तक तो आता था, जब तक मैंने एप्पल लिया, ठीक है, अब का पता नहीं आता नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम क्या समझेंगे। तो क्या कह रहा है, सच नॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस अडॉप्ट इन ए बिजनेस कैन बी असर्टेन फ्रॉम सेवरल इंडिकेटर सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई हम इसे कैसे चेक करें, नेचुरली बंडल्ड है, आप बताओ। तो इन्होंने कहा कि भाई हम कुछ बताएंगे तुम्हारे को, ठीक है, और जो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए वो ध्यान रखना। कहता है द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस रिसिपिएंट, इफ लार्ज नंबर ऑफ सर्विस रिसिपिएंट ऑफ सच बंडल ऑफ सर्विस रीजनेबली एक्सेप्ट, कि अगर हमारे को जो रिसीवर ऑफ द सर्विस है, तुम दे रहे हो नहीं हमें नहीं मतलब, अब एप्पल नहीं दे रहा हमें नहीं मतलब, लेकिन हिंदुस्तानियों की सोच क्या है, आना चाहिए, ठीक है। कह रहा है अगर रिसीवर ये सोच ले कि सच बंडल ऑफ सर्विस रीजनेबली एक्सेप्ट एंड सर्विस टू बी प्रोवाइडेड एज ए पैकेज, देन सच पैकेज कुड बी ट्रीटेड एंड नेचुरली बंडल इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मोबाइल के साथ बैटरी आती है नहीं आती, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी। इन्होंने चार्जर का एग्जाम्पल नहीं दिया, बैटरी का दे दिया, जबकि आधे से ज़्यादा फ़ोनों में तो बैटरी नहीं दिखती, निकाल पाते हो बैटरी नहीं, लेकिन इन्होंने दिया, कह रहे नहीं अपने तो सेफ खेलेंगे, पता चले एप्पल वाला मना कर दे, ठीक है ना। तो इन्होंने एग्जांपल किसका दिया, बैटरी का। तो इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, यहाँ से आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जिसमें बंदा यही कन्फ्यूज हो जाए चेक करने में कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं, ठीक है। अगला क्या कहता है, मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ सर्विस। अब ये कह रहा है हम खाली एप्पल को नहीं देखेंगे, हम सैमसंग भी देखेंगे कि सैमसंग क्या कर रहा है, ओप्पो वीवो क्या कर रहा है, वो भी देखेंगे। अगर सारे लोग दे रहे हैं सिर्फ एप्पल नहीं दे रहा, तो हम ये थोड़ी मान लेंगे कि ये नेचुरली बंडल नहीं है। वो कह रहा है जी मैं तो एप्पल से ही खरीदता हूँ, भाई तू ही तो खरीदता एप्पल से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बंडल ऑफ सर्विस ऑफ कैटरिंग ऑफ बोर्ड एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज ए बंडल ऑफर बाय द मेजोरिटी ऑफ एयरलाइंस, ठीक है ना। मतलब कि बंडल ऑफ सर्विस ऑफ कैटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज ए बंडल ऑफर बाय मेजोरिटी ऑफ, कई बार एयरलाइंस में आपने देखा होगा, अब टिकट है, टिकट के साथ तुम्हें खाना भी मिल रहा है, लेकिन मान लो तुम गरीब हो, इंडिगो से जा रहे हो, ठीक है ना, और उसने पहले ही बोला हुआ है कि मैं तो नहीं दूंगी खाना, ठीक है। लेकिन अगर दे रही हैं बाकी कंपनियां, इंडिगो नहीं दे रही लेकिन बाकी कंपनियां दे रही है, ठीक है, कि भाई नहीं चल यार फ्लाइट है, बंदा खुश हो जाएगा, नहीं तो दूसरे का मुंह देखता रहेगा, ठीक है। तो इसे क्या माना जाए, टिकट के प्राइस में, ठीक, ऐसा होता है कई बार। अब उसमें कई बार मैं टिकट नहीं लेके जाता उसमें, मतलब खाने वाला, मैं तो घर से ही पैक करा के ले जाता हूँ, कि मन तो मेरा भी करेगा जब सब लोग खा रहे होंगे, ठीक है। अब 400 रुपये 500 रुपये का खोल ले, मैं तो घर पे ही बोल देता हूँ भैया राजमा चावल पैक कर देना मेरे, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते, ये क्लियर हो गई आपको या नहीं आ रही, हाँ जितना क्लियर हो रहा है इतना ही समझना है तुम्हारे को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा दिमाग कब लगाना, जब तुम्हारे पे नोटिस आ जाएगा तब तुम्हें उसे समझाना है नेचुरली बंडल्ड क्या होता है ऑफिसर को, ठीक है। अदरवाइज तो, और ये वाली चीज़ें ना, मतलब ऐसे नोटिस नहीं आएगा कि तुम्हारे को ऐसे ही नोटिस आ गया नेचुरली बंडल लग रहा नहीं लग रहा, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको केस मिलेगा, ठीक है ना।
जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, जो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आया था। तुमने कहीं वो देखा है सोलर पावर लगा हुआ? हाँ, सोलर पावर लगा है, होता है। तो सोलर पावर में तीन चीज़ें होती हैं मेजरली। एक तो होती है बैटरी, एक होता है उसका सोलर पैनल, ठीक। और यहाँ पर ना टैक्स इवीजन बहुत लोग करते हैं, टैक्स इवीजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके अंदर डिस्प्यूट होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे बैटरी और सोलर पैनल है, तो बैटरी जो होती है वो 28% पे टैक्स होती है, और सोलर पैनल जो टैक्स होता है, ठीक है ना, जो उसका टैक्स होता है वो मान लो 12% पे होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि सोलर पावर को ना 5% पे ही टैक्स करते हैं, कि जिससे कि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो सब लोग ले। अब इनपुट आ रहा है 28% पे, ठीक है ना, सोलर पैनल आ रहा है 12% पे, और कंबाइंड इसके वायर वगैरह के साथ, वायर मान लो 18 पे आ रही है, कंबाइंड जा रहा है किस पे, 5% पे। तो यहाँ पर झगड़ा होना ही होने, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसी तो कह रहा है नहीं, मैं तो खरीदूंगा 28 पे, खरीदूंगा 12 पे, बेचूंगा 5 पे, समझ रहे हो, ठीक है। अब वो क्या करता है, 28 पे खरीद के बैटरी 28 पे बेचता रहता है, लेकिन बाद में क्या दिखा देता है कि मैंने तो सोलर पैनल बेचे। समझ में आ रही है कहानी या नहीं? तो इस तरीके की चीज़ों में डिस्प्यूट होता है, समझ रहे हो। अब मान लो कल को टीचिंग वाले हैं, अब उन्हें कह दे कि तुम्हारी जो बुक पर ना GST है वो 5% है। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, बुक पे कितना GST है मान लो, और पढ़ाने पे कितना है, 18%। तो एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर 5500 रुपये फीस है, इस पर GST तो दो 990 रुपये। मैंने, पागल हो गया क्या, 5500 रुपये फीस में 5000 रुपये की तो अपनी किताब है, 5000 की तो क्या है किताब है, और 500 रुपये किस चीज़ के, जो मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ। तो 5500 पर, 5000 पर GST कितना आ रहा है बोलो, 18% नहीं, 5000 पे तो 5% ही हो गया ना, 250 और 500 पे कितना हो गया, 90। तो जिस ट्रांजेक्शन पे 990 रुपये GST लगना चाहिए, उस ट्रांजेक्शन पे GST कितना लग रहा है, 340। तो बंदे ने कितने रुपए की टैक्स प्लानिंग कर ली। तो अब बताओ ऐसा केस, ठीक है ना, ऐसा केस उठेगा या नहीं उठेगा? जब ऐसा केस डिस्प्यूट में आएगा तो ऑफिसर क्या कहेगा, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, क्या बोलेगा वो, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड है। क्योंकि हम भी आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि जिसने पढ़ाया है उसी ने किताबें दी हैं, और यहाँ पर मेन सर्विस क्या है, प्रिंसिपल सर्विस, टीचिंग हो गया। लेकिन तुमने तो प्रिंसिपल सर्विस किसे बना दिया यहाँ पर, किताबों को। इस वजह से डिस्प्यूट होता है, समझ आ गई मेरी बात या नहीं? अब आप ये नहीं कह सकते जी मेरी तो किताबें 5000 की, और ऐसा कई लोग कर रहे होंगे, ऐसा कई लोग कर रहे होंगे टैक्स प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चा को तो पता है कि बच्चे पे तो GST नंबर है ही नहीं, ये तो GST देगा ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं, क्लियर है? तो इस तरह की टैक्स प्लानिंग इस सेक्शन में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, इस वजह से हमने इस सेक्शन पे टाइम लगाया। क्लियर हो गया या नहीं? हाँ, ये कह रहा है द नेचर ऑफ द वेरियस सर्विस इज ए बंडल ऑफ सर्विस विल ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द सर्विस आर बंडल्ड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इफ द नेचर ऑफ सर्विस इज सच डैट वन ऑफ द सर्विस इज द मेन सर्विस एंड द अदर सर्विस कंबाइंड विद सच सर्विस आर इन द नेचर ऑफ इंसिडेंट और एंसिलरी सर्विस विच हेल्प इन बेटर एंजॉयमेंट ऑफ मेन सर्विस। ठीक है, अब जैसे तो आपको देखा होगा दिवाली पे होता है, ठीक है, दिवाली पर तुमने क्या देखा होगा, ठीक है। अब मान लो संदीप बब्बर जी है, ठीक है, आम इंसान। अब इन्होंने कहा यार अपने भाई के लिए ना दिवाली पे गिफ्ट लेके जाना है, तो इन्होंने हिसाब लगाया यार मम्मी जो है ना, मम्मी तो मिठाई खाती है, तो मम्मी को मिठाई दे देते हैं, एक डिब्बा इन्होंने मिठाई का ले लिया। फिर उन्होंने लगाया हिसाब यार पापा जो है ना, पापा को तो शुगर है, उन्हें ड्राई फ्रूट दे देते हैं, इन्होंने पापा के लिए क्या ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया एक डिब्बा। फिर इन्होंने क्या सोचा कि यार भाई है, भाई को तो दिवाली पे कुछ और चाहिए होता है, तो इन्होंने एक बढ़िया सी कोक बोतल ले ली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की, तुम कैसे सोच रहे हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले ली,
ठीक है। फिर उन्होंने कहा ठीक है यार, भाभी है, भाभी को तो चॉकलेट चाहिए, तो इन्होंने चॉकलेट ले ली। फिर उन्होंने कहा यार बच्चे हैं, बच्चों को तो कुरकुरे चाहिए, अब ये अलग अलग चीज़ें खरीद रहे। अब मैं समझ गया कि यार दिवाली पे जितने भी आदमी आएंगे ना सब ऐसे ही आएंगे, सब अलग, कोई कुछ मांगेगा कोई कुछ, तो इनका बिल आ गया 2000 का सारी चीज़ें खरीदने में। मैंने कहा देखो अब मैंने इनके लिए क्या कर दिया, कस्टमर की डिमांड समझ के मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए, थोड़ी सी चॉकलेट ले ली, थोड़ा सा कुरकुरे ले लिया, एक बढ़िया सी पैकिंग बना दी, ठीक है। और ये 20 रुपये की थी, ये 30 रुपये की थी, ये 500 रुपये की, ऐसे कर करके जो मैंने वो पैकिंग बनाई उसका रेट रख दिया 1100 रुपये। और बंदा खुश कि यार सारी चीज़ें एक ही बार में मिल रही। लेकिन मैं तो घर पर आकर जब इन्हें खोल के देखता हूँ, मैं पहले MRP से MRP मैच करता हूँ कि लाया 1100 क्यों, MRP कितने का है, MRP बाद में पता चला 550 रुपये का, अबे पैकिंग के ही ले लिए 550। तो ये जो बंडल्ड किया गया ये नेचुरली बंडल्ड था। हाँ क्या ये जोड़ियाँ भगवान ने बनाई थी? नहीं, ये तो हल्दीराम वाले ने बनाई थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला, सर्विस ऑफ स्टे इन होटल इज ऑफन कंबाइंड विद द प्रोविजन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द स्टे। कि भाई होटल में अगर आप रुकोगे तो आपने कई जगह पर देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन ये कह रहे फॉरेन में या कहीं पर होता होगा कि डिनर भी है। क्या है जी? डिनर भी है। सच सर्विस इज एन एंसली सर्विस टू द प्रोविजन ऑफ होटल अकोमोडेशन एंड द रिजल्टेंट पैकेट वुड बी ट्रीटेड एज सर्विस नेचुरल बंडल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो भाई जो होटल में रुका और उसके साथ जो ब्रेकफास्ट है उसमें तुम क्या करने गए, मेन सर्विस क्या है? होटल में रुकना, ब्रेकफास्ट इज क्या है, ठीक है, एंसलरी। अब आप कहते हो सर मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं तो हमेशा 500 रुपये वाली धर्मशाला में रुका हूँ, वहाँ पे तो ब्रेकफास्ट मिला ही नहीं मुझे। अबे भाई तू रुका है ना ब्रेकफास्ट जहाँ नहीं मिला, लेकिन मैं डिनर की बात नहीं कर रहा। 90% जो होटल्स होंगे उसमें क्या होगा, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तुम पहले उससे बार्गेनिंग करके जा रहे हो, नहीं नहीं ब्रेकफास्ट नहीं करना, ठीक है, हम तो सुबह सुबह निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेजरली में क्या होगा, ब्रेकफास्ट होता है। और तुम उस ब्रेकफास्ट को हटवाओ तो कहते नहीं भाई हटाओ कुछ नहीं, 20 रुपये हटा लेते जा जाते, ठीक है, समझ में आई कहानी या नहीं। और कह रहा है, और एग्जांपल तुम्हें बता दूँ, कहता है अदर इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर नॉट डिटर्मिनेटिव। कह रहा है हम आपको एग्जांपल ही बता सकते लेकिन डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट इंडिकेटिव ऑफ बंडल ऑफ सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस द एलिमेंट एंड नॉर्मली एडवाइज एज ए पैकेज। ठीक है, जो नेचुरली बंडल्ड होगा वो एडवर्टाइजमेंट पे ही आ जाएगा। द डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, कि कई बार जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेटली नहीं मिलते होंगे। जैसे AC का जो रिमोट होता है तुमने ज़्यादातर बिकते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने देखा है जनरली वो AC के साथ ही आता है, ठीक है ना, क्लियर है या नहीं। लेकिन जो बैग है लैपटॉप के साथ वो जनरली बिकता हुआ है, समझ रहे हो। द डिफरेंट एलिमेंट आर इंटीग्रल टू वन ओवरऑल सप्लाई, इफ वन और मोर इज रिमूव द नेचर ऑफ सप्लाई वुड बी इफेक्टेड। अब यहाँ पर जब ये मैं तुम्हें सोलर पैनल का एग्जाम्पल दे रहा था तो उसमें क्या केस था कि अगर इसमें से बैटरी हटा दी जाए तो सोलर पैनल कभी भी काम नहीं करेगा। तो क्या ये बैटरी एक इंटीग्रल पार्ट हो गया या नहीं हो गया सोलर पैनल का, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने अपना रिप्लाई बना कर दिया था, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि 5% पे हमारी आइटम टैक्स होगी, समझ में आ रही है नहीं। तो ये कह रहा है कि आप नेचुरली बंडल तभी माना जाएगा कि जब अगर हमने वो हटा दिया तो जो मेन सप्लाई है वो इफेक्ट हो जाएगी। अगर AC लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, रिमोट है ही नहीं, कैसे चलाओगे, TV आके रखा हुआ है कैसे चलाओगे, बार बार बटन दबाओगे, नहीं कर सकते ना आप, समझ आ रही है। तो वो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। मोबाइल में से बैटरी हटा दी तुमने, कैसे चलाओगे, नहीं चलेगा, समझ आ गई ये वाली कहानी है नहीं। तो अब ये क्या कह रहा है, और मजे की बात कह रहा है, नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला।
ये कह रहा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जैकेट फॉर्मूला कैन बी लेट डाउन टू डिटरमाइन वेदर ए सर्विस इज ए नेचुरल वंडर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. कह रहा ऐसा कोई जैकेट फॉर्मूला नहीं दे रहे हम. ईच केस हैज टू बी इंडिविजुअली एग्जामिन इन द बैकड्रॉप ऑफ द सेवरल फैक्टर सम विच आर आउटलाइन अबव. कह रहा हर केस अलग अलग डिटरमाइन होगा. ठीक है ना जी, हर केस क्या होगा, अलग अलग डिटरमाइन होगा. ठीक है, द अबव प्रिंसिपल एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट नेचुरली वंडर सर्विस कैन बी गेनफुली अडॉप्टेड टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर सप्लाई कंपोजिट सप्लाई अंडर GST एंड इफ सो व्हाट कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल सप्लाई एंड टू डिटरमाइन द राइट क्लासिफिकेशन एंड द रेट ऑफ सच कंपोजिट सप्लाई. कि भाई उस पर क्या कंपोजिट सप्लाई मानी जाए और उस पर क्या रेट लगाया जाए. ठीक है, अब आप समझ रहे हो कितना डिस्प्यूट है इस वाले चैप्टर पे, एक ही सेक्शन में. कह रहा है कुछ और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जिससे शायद आपको और क्लियर हो जाए. अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ कि ये कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर टैक्स का एलिमेंट बहुत है. ठीक है ना, तो वो चीज़ हम निकाल लें. कहता है पोशाक मैन्युफैक्चरर एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन द डिजाइनर बॉक्स. कि भाई आप एक रेडीमेड शर्ट बना के दोगे और साथ में किस में दोगे, डिजाइनर बॉक्स में. फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चरर वुड आल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट. और जब तुम मेरे यहाँ पर माल भेजोगे तो साथ में उसका क्या करा के भेजोगे, इंश्योरेंस भी. इन दिस केस सप्लाई ऑफ गुड्स पैकिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कंपोजिट सप्लाई. वेयर इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. अब आपको हो सकता है ये लगे, अरे नहीं सर, हर व्यक्ति थोड़ी इंश्योरेंस कराता है, हर व्यक्ति थोड़ी पैक कराता है. लेकिन नहीं भाई, ये कह रहा है भाई बिजनेस के अंदर ये माना जा रहा है कि जब आप कोई गुड्स खरीदोगे तो पैकिंग करा के ही लोगे. और बहुत जगह पर ऐसा होता है कि वो इंश्योरेंस होता है. क्या होता है, इंश्योरेंस. तो भाई जो आपके स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल दिया हुआ उसमें पंगा मत लेना, उसमें आप अपनी जजमेंट मत लगाना. ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूट ने कह दिया हाँ भाई तुमने कंपोजिट मान ली, हमने भी मान ली. ठीक है, तुम यहाँ पर ये मत कहना नहीं हम इसे कंपोजिट नहीं मानेंगे. इसलिए तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि हम यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना. ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूट ने बोला है, हो सकता है कोई राइटर हो अपनी किताब बना रहा हो, कह रहा नहीं मैं तो नहीं मानता इंश्योरेंस साथ में. ठीक है, वैन ए कंज्यूमर बाय टेलीविजन सेट, ये तो सबको ही पता है, एंड ऑल्सो गेट्स इज मैंडेटरी वारंटी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. अब हमने तो सिंपल क्या दिया था कि कन्फ्यूजन ना हो तो टीवी के साथ क्या दे दो, रिमोट. ये कह रहे टीवी के साथ एक वारंटी मिलती है, एक साल की होती है नहीं होती. ठीक है, कि एक साल की वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है. तो अब तुम ये मत समझो वो फ्री आया. ठीक है ना, उसकी भी तो एक वैल्यू होती होगी, है नहीं. तो इन्होंने कहा दिस सप्लाई इज ए कंपोजिट सप्लाई, तो वारंटी जो है वो क्या है, उसमें साथ में अटैच है. तो मेन सप्लाई क्या है, टीवी. इट इज एग्जांपल ऑफ सप्लाई ऑफ टीवी जे प्रिंसिपल सप्लाई, और मेंटेनेंस क्या है वो, एंसिलरी. अच्छा, ए ट्रेवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है, मैं पहली बार जब राजधानी ट्रेन से गया तो मेरे को तो आदत ही थी घर से पैक कराने की खाना. मैंने कहा पता नहीं खाना मिले नहीं मिले, पैक करा लो. अब मैंने पैक करा लिया खाना, राजमा चावल हुई. ठीक है, राजधानी ट्रेन में भी. अब वो खाना ले गया, सर आपका खाना. मैंने कहा मैं खाना लाए हूँ. कह रहे नहीं सर, ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है. दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो आपको खाना तो मिला. मैंने मुझे नीचे मुझे पैसे दे दे इसके वापसी. क्या वो पैसे देगा मुझे वापसी, हाँ. ठीक है, अब भी मैं कई बार कहता हूँ खाना खा लिया, फिर उसके बाद वो लाता आइसक्रीम 20 रुपये वाली, रेट नहीं लिखे होते लेकिन उस पर. कई बार मैं कहता हूँ मैं नहीं ले रहा, 20 रुपये देते मुझे. ठीक है, क्या वो देता है, हाँ बोलो, नहीं देता ना. फिर तो वो खान जो तुम्हें ट्रेवलिंग के साथ जो खाना मिला वो क्या है, ट्रेन के अंदर नेचुरली बंडल मानोगे या नहीं मानोगे. अब आप कह रहे हो सर मैं तो जाता हूँ जनरल से, हमें तो मिलता नहीं खाना, बाकी ट्रेन तो नहीं दे रही. अरे यार वैसे नहीं समझना है तुम्हारे को. ठीक है, जो बढ़िया ट्रेनें हैं वो तो सब दे ही रही है ना यार. ठीक है, कि अब तुम यहाँ से जा रहे हो लटक के दिल्ली से फरीदाबाद. ठीक है, और उसमें तुम्हें खाना देगा कोई, आइसक्रीम देगा,
ठीक है ठीक है, तो ऐसा मत करना, ऐसी लड़ाई झगड़ा, अगर अपना ज़्यादा दिमाग लगाया तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती करके आओगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमने इसलिए तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि दिल्ली से मुंबई जा रही है सर्विस ऑफ फूड बीइंग सर्व्ड ऑन बोर्ड, फ्री इंश्योरेंस भी होता है उसमें, एंड यूज़ ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च, ठीक है। कई बार क्या होता है कि तुम्हारी ट्रेन लेट है तो चलो भाई तुम यहाँ पर एसी में पड़े रहो, ठीक है। तो ये सारी जो सर्विस है, ठीक है, मेन किस चीज़ का है, पैसे आने जाने की। बाकी सर्विस क्या है, प्री डोमिनेंट नेचर क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, प्री डोमिनेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल होगी और बाकी सब क्या होगी, एंसिलरी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात या नहीं, हाँ बोलो। अब हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई। अब भाई चलो ये फाइनल हो गया कि कंपोजिट सप्लाई है, अभी तक हम आधे घंटे से किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं, कंपोजिट है या नहीं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये कंपोजिट है, अब बताओ टैक्स रेट क्या लोगे। उसने कहा अगर तुम मान लेते हो ये कंपोजिट है तो सिंपल सी बात है, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा, जो क्या होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही रेट हम लगाएंगे, हम दूसरे वाली सर्विस को नहीं देखेंगे, चाहे वो रेट कम हो चाहे वो रेट ज़्यादा हो। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं, कि कंपोजिट सप्लाई में जो रेट लगेगा वो किसका लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का। तो लिखा है द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए कम ऑन ए कंपोजिट और मिक्स सेल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। कहता है कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई सेल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। तो हमेशा हम उसे क्या मानेंगे कि आपने प्रिंसिपल सप्लाई करी है, चाहे वो गुड्स की होगी तो गुड्स के प्रोविजन लगेंगे, अगर वो प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस की है तो सर्विस के लगेंगे और रेट भी वही लगेगा। क्लियर हो गई ये वाली कहानी या नहीं, बोलो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें आधा घंटा यहीं पे इसलिए डिस्कशन करा रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिस के अंदर आओगे, ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिस करने आओगे सीए बनने के बाद, ठीक है, ऑफिस में वर्क करोगे, तो जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे तो रिटर्न फाइलिंग के तुम्हें मिलेंगे 2000 रुपये, 500 रुपये, नहीं तो सीए के ऑफिस के नीचे ही चिपका के चला जाएगा 250 रुपये में रिटर्न भरवाए कि जो भी क्लाइंट आ रहा है देखता हुआ आ रहा है, ठीक है। मेरे ऑफिस के नीचे जानबूझ के लगा रखे, अब कोई भी क्लाइंट आता क्या नीचे 250 लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। तो वहाँ पर बड़ा कंपटीशन है, लेकिन तुम्हें अगर तुम्हारे पास एक केस आ गया साल में कि भाई बताओ कि ये कंपोजिट है या मिक्स है, इस पर जीएसटी रेट कौन सा होना चाहिए, डिपार्टमेंट कह रहा 28% होना चाहिए लेकिन बाकी लोग 18% लगा रहे हैं, सर क्या करें, सर कैसे टैक्स प्लानिंग करें, तो ये सेक्शन पढ़ के बताओगे आप मेरी चीज़ को समझ रहे हो या नहीं। जैसे मैंने तुम्हें टीचर का एग्जाम्पल दे दिया बुक का, बोलो, क्लासिक एग्जाम्पल है आपके लिए, तो ये चीज़ है। अपने को उससे मैटर नहीं, अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि गुड्स की कॉस्ट कितनी है, पैकिंग की कॉस्ट कितनी है, किस पर जीएसटी रेट कितना है, नहीं, हम सिर्फ पहले क्या देखेंगे, रेट को साइड करो, अमाउंट को साइड करो, पहले हम क्या देखेंगे कि आप बताओ कि ये कंपोजिट है या नहीं। अभी हमने क्या यहाँ पे कहीं रेट की बात करी, कहीं रेट की बात नहीं करी, हाँ क्लियर है मेरी बात या नहीं, हाँ चलो। कहता है हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई, कह रहा है कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई वन इज प्रिंसिपल सप्लाई सेल बी ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल सप्लाई अकॉर्डिंग टू द एंटायर वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मतलब कि जो हमारी मेन सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई है शैल बी क्लासिफाइड इन टू द कैटेगरी ऑफ मेन सप्लाई एंड टैक्स एट द जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू द मेन सप्लाई। डिट कैन बी, ये एग्जाम्पल से बता रहे, सिंपल बता दिया, रति कंप्यूटर लैपटॉप सप्लाई कर रही है अलॉन्ग विद द लैपटॉप बैग, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूट यहीं पर है कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग क्या कह रहा है, कंपोजिट, ठीक है। 52,000 का ये है और बैग कितने का है, 3,000 का, तो वर्थ कितनी हो गई, 55,000 क्या हो गई वर्थ, बीइंग नेचुरली बंडल, ये बैग को क्या मान रहे, नेचुरली बंडल। तो अपने को डिस्प्यूट नहीं करना है कि एप्पल वाला नहीं देता है, अपने को डिस्प्यूट नहीं करना है कि एचपी वाला नहीं देता, इंस्टीट्यूट ने लिख दिया हाँ जी देता है, नेचुरली बंडल है,
ठीक है ना, बीइंग नेचुरली बंडल, तो लैपटॉप बैग का जो रेट होगा, ठीक है ना, लैपटॉप बैग अलोंग विद द लैपटॉप इज कंपोजिट सप्लाई विच इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबिलिटी लैपटॉप पे 18 है और लैपटॉप बैग पे कितना है 28, लेकिन 55,000 पर ही कितना रेट लग जाएगा इसमें 18 लग जाएगा। यहाँ पर कस्टमर को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो जाएगा, कस्टमर को क्या हो गया, बेनिफिट। तो हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि कस्टमर का बेनिफिट है या कस्टमर का लॉस। अब यहाँ पर कस्टमर का बेनिफिट है, हो सकता है डिपार्टमेंट परेशान कर दे तुम, कि क्योंकि बैग जो वो खरीद के लाया होगा वो तो 28 पे खरीद के लाया होगा और बेच रहा कितने पे होगा, तो गवर्नमेंट को तो दिक्कत आएगी ना। हाँ, तो यहाँ पर तुम ये प्रूफ करोगे, सप्लाईज गिवन इन द बिलो मेंशन टेबल आर कंपोजिट सप्लाई, सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड एज टू व्हाट कंस्टिट्यूट टू द प्रिंसिपल सप्लाई इन द गिवन कंपोजिट सप्लाई। तो सीबीआईसी ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए होंगे। तो इस तरह का अगर कोई चैप्टर है तो तुम्हारे को अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ पर इंस्टीट्यूट ने कुछ चीज़ लिख के बता दी, समझने के लिए दिमाग लगाना है लेकिन एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ठीक है ना, दो तीन चीज़ों में इन्होंने एग्जाम्पल बताए, तो हो सकता है ये एज इट इज एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपके एग्जाम में आ जाए, तो इन्हें पढ़ लेना भाई। कहता है सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स पैम्पलेट ब्राउसर एंड एनवलप एनुअल रिपोर्ट लीफलेट कार्टून दिस, ठीक है ना, कंटेंट सप्लाइड बाय द रिसिपियंट ऑफ सच प्रिंटेड गुड्स, ठीक है ना। कह रहा है इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, अगर आप प्रिंटिंग ऑफ बुक्स कराते हो, पैम्पलेट कराते हो, ब्राउसर कराते हो, ठीक है ना, ये कहता है वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर और द पर्सन हु ओन्स द यूसेज राइट इंटेंजिबल इनपुट फिजिकल इनपुट इंक्लूड पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग बिलोंग टू द प्रिंटर, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड देयरफॉर सर सप्लाई वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पर क्या कहानी हुई कि भाई मैंने अपनी बुक्स प्रिंट करा रहा हूँ, मैं किससे, प्रिंटर से क्या करा रहा हूँ अपनी, तो मैंने उसे बुक्स जब प्रिंट कराया होगा तो क्या दी होगी, सॉफ्ट कॉपी दी होगी, ठीक है, कि भाई ये मेरा कंटेंट है आप इसे छाप दो। तो जब उसने छाप के दिया होगा, पेपर भी दिया होगा, पेपर लगा होगा, ठीक है, बाइंडिंग कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, तो हो सकता है वो कहने लगे नहीं जी मैं तो पेपर का रेट लगाऊंगा 5%। क्या लगाऊंगा, पेपर पे रेट क्या है, जी मैंने तो आपको पेपर दिया। अरे नहीं भाई, तुमने मेरे को प्रिंटिंग की सर्विस दी, तो इस पे रेट कितना है 18% है, मान लो तो आप 18 लगाओ, ठीक है। तो जैसे जैसे लोग बाग डिस्प्यूट में जाते रहेंगे ये क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे, लेकिन ये झगड़ा क्या ख़त्म होने वाला है। हाँ, तो हर लॉ में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती है जिससे कि वो झगड़ा बना रहे, प्रोफेशनल को भी तो काम चाहिए ना भाई, ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप लेटर हेड प्रिंटेड बॉक्सेस जो भी है, टिश्यू नैपकिन वॉल पेपर, द प्रिंटर यूजिंग इट्स फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग पेपर टू प्रिंट डिजाइन दिस, तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई इज अ गुड्स, ठीक है। अब मैंने नैपकिन छपवाने या मैंने पेन पे प्रिंटिंग करानी है, क्या करानी है, पेन पे प्रिंटिंग करानी है, डायरी पे प्रिंटिंग करानी है, तो कह रहा है भाई साहब यहाँ पर तो डायरी पे प्रिंट कराया है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई, डायरी हो गई, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हल्का सा चेंज होते ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है। एंड द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग इज कंटेंट, ठीक है ना, विच इज एंसिलरी टू प्रिंसिपल सप्लाई। तो यहाँ पर इन्होंने सर्कुलर निकाला था 2017 को, मतलब GST आया 1 जुलाई 2017 को, लड़ाइयाँ पहले ही हो गई, तो इन्हें क्या निकालना पड़ गया, सर्कुलर। फिर बाद में एक सर्कुलर इन्होंने कब निकाला, तुम्हें सर्कुलर नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, द प्रिंसिपल सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, जो बस की बॉडी वगैरह बनती होगी उसके लिए होगा, ठीक है। रीट्रेंडिंग ऑफ टायर्स प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ रीट्रेंडिंग विच इज सप्लाई ऑफ सर्विस, रबर यूज फॉर रीट्रेंडिंग इज अ एंसिलरी सप्लाई, सप्लाई ऑफ रीट्रेंडिंग टायर विच द ओल्ड टायर बींग बिलोंग्स टू द सप्लायर एज रीट्रीटेड ऑफ सप्लाई इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर टायरों के बारे में बताया है, ठीक है ना, कि आप पुराने टायरों को देके नए टायर ले रहे हो, उस टाइप की चीज़ों को बता रहा है, ठीक है ना, कि भाई पुराने टायर आपने दे दिए, नए टायर ले लिए। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक केस शायद आपसे ना पूछे क्योंकि ये सर्कुलर आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इन्होंने एग्जांपल से ये चीज़ बताई है। तो क्लियर हो गया, कंपोजिट सप्लाई इज क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत है कंपोजिट सप्लाई में। हाँ,
अगर तुम्हारे को और अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो इन सर्कुलर को और डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले आप, ठीक है, लेकिन रीडिंग हो जानी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं अलग चीज की, हम बात कर रहे थे कंपोजिट सप्लाई की, समझ आ गई थी। अब वगैरह कि अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो फिर क्या है, मैंने कहा कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो सप्लाई मिक्स सप्लाई हो। उसने कहा ये मिक्स सप्लाई क्या है, मैंने कहा कि कई बार ऑफर आती है कि लैपटॉप के साथ प्रिंटर, ऑफर चल रही है 80,000 रुपये की, मैंने कहा प्रिंटर दे दो खाली, करा नहीं देंगे, अपना तो यही सिस्टम है, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। कितने रुपए का है? 80,000, ठीक है। अब जब तुम हीरा स्वीट्स के पास वो पैकेट लेने गए जिसमें काजू भी थी, पेप्सी की बोतल भी थी, कुरकुरे भी था, मिठाई भी थी, ड्राई फ्रूट भी थी, आपने उसे बोला कि भाई इसमें से निकाल दे, आ रही है ये निकाल दे, पेप्सी की बोतल निकाल दे, वो दे देता है तुम्हें ऐसे, वो कहता नहीं भाई साहब ये तो पैक है ऐसे ही मिलेगा, और इसका रेट कितना है? 800 रुपये, 1,000 रुपये। तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? नहीं है। लेकिन कंपोजिट नहीं है तो फिर क्या है ये? कह रहा है मिक्स हो सकती, क्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मिक्स है, कंपोजिट नहीं है तो क्या है? मिक्स है। मतलब एक व्यक्ति ने शादी करी तो हम क्या मानकर चलेंगे नेचुरली क्या है वो, क्या मानते हो नेचुरली आज की डेट में? अरेंज मैरिज ही मानते हो यार। लेकिन अगर वो अरेंज नहीं है तो क्या हो सकती है? लव हो सकती है भाई, एक लड़का और एक लड़की दोनों, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से हाथ में हाथ डालकर जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू मैरिड कपल लग रहे हैं। लड़की ने बड़ा बड़ा हाथों में चूड़ा पहना हुआ है, सिंदूर लगाया हुआ है, ठीक है, लड़के के चेहरे पे भी चमक है, खुशी है, ठीक है, और दोनों जा रहे हैं। तुम क्या समझोगे पहले, क्या समझोगे कि भाई इन लोगों की शादी हो क्या ये, राइट? तो वो क्या निकलेंगे? नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली अरेंज मैरिज ही होती है। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई इनकी अरेंज मैरिज नहीं है, लेकिन शादी तो है ना, तो इसका मतलब क्या हो सकती है? लव मैरिज हो सकती है। तो लव मैरिज क्या हो गई? लव मैरिज तभी मानी जाएगी जब अरेंज नहीं हो रही है ना, तो क्या मान ली? मिक्स सप्लाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों एक फ्रेंड ही हो बस, वो दोनों फ्रेंड ही हो। वो तो बस वाला कह रहा है मैं तुम्हें बिठाऊंगा ही नहीं तब तक, यहाँ पे तो जोड़ों को जाने दिया जाता है, कई क्लब ऐसे हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ ही जाएंगे। तो लड़की ने बोला टेंशन नहीं, अभी पर्स में से निकालती हूँ मैं, ठीक है ना, सिंदूर लिपस्टिक ये साथ में चले जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि उनकी शादी भी हो, समझ में आ रहा है? तो तीन बन गए हमारे, कितने बन गए जोड़े? तीन पेयर बन गए, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि हमारी कंपोजिट सप्लाई होगी, अगर कंपोजिट नहीं है तो क्या हो सकती है वो? मिक्स। और अगर वो मिक्स भी नहीं है तो कुछ और भी, लेकिन उसके चांसेस क्या है? कम। सबसे ज्यादा चांसेस इसके कंपोजिट, देन मिक्स, और देन एक अलग सप्लाई बताऊंगा। लेकिन जब भी तुम मिक्स सप्लाई के बारे में बात करोगे तभी बात करोगे कि वो कंपोजिट सप्लाई, पहले तुम ये एंश्योर कर लो कि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ठीक है। अब मेरी शादी को तो 2 साल हो गए, तो मैं जब किसी नए नए जोड़े को देखता हूँ तो मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, मैंने कहा देख मुझे इनकी ना अरेंज मैरिज लग रही है, ठीक है, वो कहते हैं नहीं नहीं लव मैरिज, मैं कहा चलो बात करते हैं। जैसे ही बात करें मैंने कहा तुम्हारी अरेंज मैरिज है? वो कहते हैं नहीं। तो जब उन्होंने बोल दिया कि अरेंज मैरिज नहीं है तब हम क्या डिसाइड करते हैं? मैंने कहा अब क्या है? वाइफ कह रही है लव मैरिज, मैंने लव मैरिज नहीं, वैसे ही घूम रहे
शादी वादी नहीं इनकी। लेकिन बाद में डिसीजन का प्रोसेस क्या है, पहले क्या समझ रहे हैं हम, कंपोजिट है या नहीं है। कंपोजिट अगर नहीं है तो क्या है वो, मिक्स है। तो पहले इस चीज को समझना कि मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है। मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, कि वहां पर दो या दो से ज्यादा सप्लाई, जैसे कि कंपोजिट में था, ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विच ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन। ये तो ये तो कंपोजिट में भी था या नहीं था, तो मिक्स को अलग किसने बनाया। कह रहा है फॉर ए सिंगल प्राइस। कह रहा है मिक्स सप्लाई तभी होगी जब उनका क्या होगा, एक सिंगल प्राइस। अब आप कहोगे सर कंपोजिट में भी ऐसा ही था कि सिंगल प्राइस था, तो वहां पे भी तो सिंगल प्राइस था। मैंने कहा रुक जाओ, एंड वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई। साथ में क्या लिख दिया कि मिक्स सप्लाई तभी होगी जब दो या दो से ज्यादा हो, प्लस में उनका क्या हो, सिंगल रेट हो, और वो क्या ना हो, वो कंपोजिट ना हो, वो क्या ना हो, कंपोजिट ना हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा तो कंपोजिट ही सप्लाई होंगी, बाद में तो मिक्स आएंगी। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने आपको लैपटॉप के साथ प्रिंटर का एग्जांपल दिया, क्या ये कंपोजिट है? आंसर इज नो। क्या इनका सिंगल प्राइस है? आंसर इज यस। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई। अब ये जो मैं बता रहा हूँ हल्दीराम के पास, हीरा स्वीट्स के पास जो 800 रुपए का आपको मिला, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? इसका रेट क्या है? सिंगल रेट है। क्या ये मिक्स सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है। अब एक और कहानी सुन लो। अब जो ये बंडल्ड बनाया था हीरा स्वीट्स ने, जब आप उससे बिल कराने गए तो उसने बिल करते समय तुम्हें बोला चॉकलेट 100 रुपए की, ठीक है, ड्राई फ्रूट 300 रुपए के, ठीक है ना, पेप्सी की बोतल इतने की, इस पर रेट 5%, इस पर रेट 10%, इस पर रेट 18%। अब ये बताओ क्या ये कंपोजिट है? नहीं। क्या ये मिक्स है? आंसर इज नो। क्योंकि मिक्स सप्लाई के लिए उसने क्या बोला है कि रेट है क्यों ना चाहिए, लेकिन तुम रेट क्या कर रहे हो यहां पर, अलग अलग कर रहे हो। तो जब तुमने रेट अलग अलग कर दिया तो वो कभी भी क्या नहीं बनेगी, मिक्स सप्लाई नहीं बनेगी। सर अब रेट अलग अलग क्यों करते होंगे लोग बाग? अब मान लो प्रिंसिपल सप्लाई पर जीएसटी क्या लगेगा, सॉरी यहां पर मिक्स सप्लाई पर जीएसटी क्या लगेगा। तो इन्होंने बोला कि जब भी कभी मिक्स सप्लाई होगी तो वहां पर रेट उस आइटम का लगेगा जो प्रिंसिपल होगी, जो क्या होगी, प्रिंसिपल। अरे सर ये तो कंपोजिट में बोला था। अब पहली चीज तो तुम्हें यहां पर समझना है कि प्रिंसिपल सप्लाई का कंसेप्ट कहां पर था, कंपोजिट में, किसमें था? यहां तो सभी प्रिंसिपल है, यहां पर तो सभी प्रिंसिपल है, प्रिंटर भी प्रिंसिपल है और लैपटॉप भी। तो यहां पर यह चीज हो सकती है क्या? इस भूल में मत रहना। प्रिंसिपल सप्लाई के रेट का कंसेप्ट किसमें था? कंपोजिट में। तो यहाँ क्या कंसेप्ट है? यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो प्रिंसिपल दोनों ही है, तो कौन सा रेट लगाए बताओ। इन्होंने क्या बोला, हाईएस्ट रेट लगा दो। क्या लगा दो जी? इनमें से जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो लगा दो। तो जब हाईएस्ट रेट लगाने लगे तो इसमें 5% की भी आइटम थी, 12 की भी थी, 18 की भी थी, 28 की, लेकिन 28 वाला रेट लग गया। तो अब बताओ कस्टमर को नुकसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर हीरा स्वीट्स क्या सोचेगा कि ना तो मैं इसे कंपोजिट बनाता हूँ, ना इसे मिक्स बनाता हूँ, मैं एक अलग सप्लाई बना देता हूँ। राइट, क्लियर हो गई कहानी या नहीं हो गई? हाँ, देखो अगर आप किसी बिजनेस को कंसल्टेंसी दे रहे हो तो आपको इसमें लाखों रुपए मिलेंगे कि सर आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, आपका जो कस्टमर है वो कौन सा है, तो आप इसे एक सेक्शन से बता सकते हो। लेकिन ऐसे बताना कि जिससे कि पता लग जाए कि भाई आप कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहे। तो कहता है कि मिक्स सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर सिंगल प्राइस हो, क्या हो, और मिक्स सप्लाई के अंदर रेट कैसे लगेगा वो इन्होंने बताया है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो मिक्स सप्लाई के अंदर जो रेट है, ए मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ डेट पर्टिकुलर सप्लाई डेट एक्ट्रैक्ट हायर रेट ऑफ टैक्स, कि जिस पर हायर रेट। तो सेक्शन एट तो बड़ा छोटा सा है, कहता है मिक्स सप्लाई होगा ठीक है तो हायर रेट लगा देना, कंपोजिट सप्लाई होगा तो प्रिंसिपल रेट लगा देना, लेकिन रायता तो उसके पीछे है। मैं चाहता तो तुम्हें इस सेक्शन को 10 मिनट में ख़त्म करा देता, मैंने बोला भी था शुरुआत में कि 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन इसमें लग रहा है एक घंटा क्यों लग रहा है, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया सेक्शन है, ठीक है ना। आगे चले, थोड़े बहुत एग्जाम्पल पढ़ लें जो इंस्टीट्यूट ने बताए, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। अभी इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये लैपटॉप के साथ बैग क्या है? कंपोजिट है, ठीक है। गुड्स के साथ इंश्योरेंस? कंपोजिट। गुड्स के साथ पैकिंग? कंपोजिट। तो अपने को पंगा नहीं लेना, ठीक है। कहता है हाउ टू डिटरमाइन इफ ए पर्टिकुलर सप्लाई इज ए मिक्स सप्लाई, कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगेगा ये मिक्स सप्लाई है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इफ ए पर्टिकुलर सप्लाई इज ए मिक्स सप्लाई, द फर्स्ट, पहला रूल क्या है कि वो कंपोजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। डेट आउट सप्लाई इज कंपोजिट सप्लाई, कि पहले तो इसे हटाओ कि ये कंपोजिट नहीं है। ए सप्लाई कैन बी मिक्स सप्लाई ओनली इफ नॉट ए कंपोजिट सप्लाई, समझ रहे हो कि वो मिक्स सप्लाई तभी हो सकती है जब वो क्या ना हो, कंपोजिट सप्लाई ना हो, ठीक है। एज ए कोरोली इट कैन बी सेड दैट इज द ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ सप्लाई नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन इट वुड बी ए मिक्स सप्लाई, मतलब कि वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होनी चाहिए, उसे जबरदस्ती ही बंडल्ड किया हो, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? वंस द, ठीक है ना, वंस द अमेंडेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एज ए कंपोजिट सप्लाई इज रूल्ड आउट, ठीक है ना, एंड ए सिंगल कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाईज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, इट कुड बी मिक्स सप्लाई, ठीक है ना, क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अट्रैक्टिंग हायर रेट। क्लियर हो गया? जैसे ही उसे कंपोजिट से बाहर कर दोगे और आप एक सिंगल रेट बोलोगे तो ये क्या मान लिया जाएगा, वो सप्लाई क्या है? मिक्स। एग्जांपल पढ़ ले दो चार। हाँ जी बोलो, ठीक है ना। ए सप्लाई ऑफ ए पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैन फूड स्वीट्स चॉकलेट केक्स ड्राई फ्रूट, देख रहे हो, ये वही वाला है, हीरा स्वीट्स वाला एग्जांपल दे दिया इसने, ठीक है। फ्रूट जूस फॉर ए सिंगल प्राइस इज ए मिक्स सप्लाई, ठीक है। ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, वो अलग से भी बिक सकते थे लेकिन तुमने इकट्ठे पैक करके। इट शैल नॉट बी ए मिक्स सप्लाई इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली, अगर आपने सिंगल सिंगल रेट लगा दिया तो मिक्स सप्लाई भी नहीं बनेगी। तो जरूरी नहीं है कि कोई सप्लाई कंपोजिट या मिक्स ही होगी, ठीक है। ए शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल अलोंग विद द रेफ्रिजरेटर बॉटल एंड द रेफ्रिजरेटर कैन ईजिली बी प्राइज एंड सोल्ड इंडिपेंडेंटली आर नॉट नेचुरली बंडल, सो सच सप्लाई आर मिक्स सप्लाई, मतलब कि फ्रिज खरीदने गए, वो फ्रिज के साथ तुम्हें कह रहा है बहन जी बोतलें भी, ठीक है ना, तुम्हें लानी पड़ेगी मंगल बाजार से, यहीं से दे रहे हम कंपनी की, ठीक है। ए हाउस इज गिवन ऑन रेंट थ्रू ए सिंगल रेंटेड वन फ्लोर ऑफ विच इज यूज ए रेजिडेंस एंड द अदर फॉर हाउसिंग ए प्रिंटिंग प्रेस, मतलब एक घर दे रहे हैं हम, एक एक रहने के लिए दे रहे हैं और दूसरा किसके लिए दे रहे हैं, एज ए लमसम रेंट अमाउंट सच रेंटिंग ऑफ टू डिफरेंट परपज इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, वो कह रहे भाई साहब रेंट तो एक ही है, ठीक है। सैड सप्लाई आर मिक्स सप्लाई, हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑन मिक्स सप्लाई, ए मिक्स सप्लाई ये तो मैंने बताई दिया हायर रेट ऑफ टैक्स, क्लियर है। एक दो एग्जाम्पल और पढ़ लेते, क्या पता एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आ जाए। श्रीनगर एंटरप्राइज सप्लाई 10,000 किट 50 रुपये की, ठीक है, राघव जनरल स्टोर को, तो वो जो किट है उसके अंदर क्या है, कंसिस्ट ऑफ एक शैम्पू फेस वॉश एक काजल पेंसिल, ठीक है, वही आ गया लेडीज का, ठीक है, मेकअप किट है ना। इट इज ए मिक्स सप्लाई एंड ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ डेट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट द हायर रेट ऑफ टैक्स, मतलब कि मान लो तुम्हारी शादी हो रही है तो शादी में एक रिवाज होता है कि जो दुल्हन होगी ना उसे आपको एक किट देनी होती है बनाकर, ठीक है। अब कुछ लोग तो क्या करते हैं कि मार्केट में जाए किट ली पैक वाली ले ली, ठीक है, कि भाई सब कुछ इसी में, ठीक है। तो उस किट में बिंदी भी होती है, ठीक है, उस किट में क्या है
बिंदी भी है, लिपस्टिक भी है, सिंदूर भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अब लेकिन बिंदी तो एग्जम्प्ट है, मैं तुम्हें सेक्शन 11 में पढ़ाऊँगा, सेक्शन 11 में बताऊँगा कि बिंदी एग्जम्प्ट है। अब क्यों कर रखी है बिंदी को एग्जम्प्ट? उन्होंने कहा हिंदुस्तान में तो नारियों की पहचान ही है ये बिंदी सिंदूर, तो कह रहे बिंदी सिंदूर इज एग्जम्प्ट। क्या कर रखा है? बिंदी सिंदूर इज एग्जम्प्ट। तो ये कह रहे कि अगर तुमने वो किट ली, ठीक है, अगर वो तुमने किट ली और वो किट है कितने रुपए की, 1000 रुपए की मान लो, और उस पर GST लगा 28% का, क्योंकि उसमें हो सकता है आईलाइनर भी हो, वो 18-28 पे टैक्स हो रहा हो, तो बिंदी पर भी 28 लग गया या नहीं लग गया? तो मेरे जैसे समझदार व्यक्ति जिसने GST पढ़ा होगा वो क्या कहेगा? कह रहे नहीं ऐसे नहीं ले ले, अलग अलग लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, अगर खरीदने जा रहा हूँ मैं तो मैं खरीदता ही नहीं ऐसी चीज़ें, तो मैंने क्या बोला अलग अलग लो। घर वाले कह रहे अलग अलग लो, मैंने कहा बिंदु और सिंदूर पे GST नहीं लगेगा, देखो नहीं तो ये पूरे पे GST लगा रहा है, ठीक है। तो कई बार जब आप GST सीखोगे तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एज्यूमिंग डेट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, शैम्पू पे कितना है 18, फेस वॉश पे कितना है 28, और काजल पेंसिल पे क्या है 12, ठीक है। इन द गिवन केस हायर रेट टैक्स इज 28। अगर इंस्टीट्यूट मुझसे कहता है एग्जाम्पल इसका आप ड्राफ्ट करके दो, मैं इसमें बिंदी और सिंदूर भी डाल देता, ठीक है, तो उस पर रेट क्या आ रहा था 0। कह रहा लेकिन अब तो हम 5 लाख पर ही क्या लगाएंगे, 28 लगाएंगे। समझ आ गई या नहीं? बोलो, मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड टैक्स एट द इंडिविजुअल रेट्स, ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ना वो कंपोजिट है ना वो मिक्स है, ठीक है। वो बेचारे दोनों ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन क्लब में एंट्री करनी थी इस वजह से उन्होंने दिखा दिया। देयर कैन बी ए केस वेयर एन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व मोर देन वन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, बट नाइदर दे आर ए कंपोजिट सप्लाई नॉर कैन बी कैटेगराइज एज मिक्स सप्लाई, डेट इन ऑल द सप्लाई कैरी इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस इन सच ए केस इफ सेपरेट कंसिडरेशन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सप्लाई, ईच सच सप्लाई कैन बी चार्ज एट ए रेस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल टू डेट पर्टिकुलर सप्लाई। इन द केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स स्पेयर पार्ट्स एंड लेबर, यहाँ पर दोनों चीज़ें होती है, जब आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो सर्विस में वो कुछ पार्ट्स भी डालता है, लेकिन जब वो बिल बनाता है वो अलग अलग बनाता है, तो कहता है जी गुड्स का इतना हो गया सर्विस का इतना हो गया, दोनों को अलग अलग दिखाएगा और गुड्स पर अलग रेट से GST लगाएगा और सर्विस पर अलग रेट से लगाएगा। तो दिस इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ना तो ये मिक्स है ना ये कंपोजिट है। तो ये बड़ा आसान है, देखो अगर आप समराइज अगर हम कर दें 5 मिनट में, पहले चेक करो कंपोजिट, कंपोजिट के लिए नेचुरली बंडल्ड है, समझ में आएगा, कंपोजिट नहीं है मिक्स, नेचुरली बंड मतलब पहली बात कंपोजिट नहीं है तो मतलब वो नेचुरली बंडल्ड तो दिखेगी नहीं, फिर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगा दो। लेकिन मिक्स से क्या अलग करना है कि अगर उसके अलग अलग रेट लगे हुए तो वो मिक्स भी नहीं है, क्योंकि मिक्स के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल रेट होना चाहिए, समझ आ गई। तो आपको ऐसे एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप उन्हें अब मेरे हिसाब से कर सकते हो, और जो इंस्टीट्यूट ने जो लिख के दिया उतना वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। और जब भी कभी आप क्वेश्चन करो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप मान ला कि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कंपोजिट है मिक्स, क्लियर है ये वाली चीज़। इस पर इतना डिस्कशन बहुत है, और तो नहीं चाहिए। चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फुल कोर्स अगर आपको चाहिए CA इंटर का, CS इंटर का, CWA इंटर का, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। ये तो सिर्फ आपको डेमो लेक्चर था कि हम अपनी क्लासेस में इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरा कोर्स भी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।